आज का हमारा टॉपिक है इन ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफ़र जो मेथड है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र का सेकेंड जो मेथड है ये है इन ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट जो मेथड था वो पहली वीडियो में हमने पढ़ लिया दैट इज़ को कल्चर विद द टिश्यू एक्सप्लांट सो अब ये पढ़ेंगे कि इसमें होगा क्या सीधी सी बात है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है इसमें हमने क्या किया कि कल्चर मीडिया लिया उस जिसमें हमने एग्रोबैक्टीरियम सेल्स डाले हुए थे उस कल्चर मीडिया में हमने एराबाडोप्स सीड्स को डाल देना है एराबायोडोपिस सीड्स जो हैं ये अफ्रीकन सीड्स हैं सो so, हमने उन उसके अंदर डाल दिया कल्चर मीडिया के अंदर हमने किसको डाल दिया एराबायोडोपसिस सीड्स को तो वो क्या है ये जो कल्चर मीडिया है जिसमें एग्रोबैक्टीरियम भी है और एरोबायोडोपसिस भी है तो ये लिक्विड मीडिया तो लिक्विड मीडिया में क्या होगा कि जो अब सीड है वो पानी को सोख लेंगे दैट इज इम्बाइबेट कर लेंगे है ना तो वो क्या होगा सोख करने से या इम्बाइबेट करने से जो एग्रोबैक्टीरियम सेल्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे टू द एरोबायोडोपिस सीड्स तो देखा गया है कि हमारा जो डीएनए है ना सीड्स का उसमें स्टेबल इंटीग्रेशन देखी गई है ट्रांसफॉर्म डीएनए की सो स्टेबल इंटीग्रेशन पहले वीडियो में हमने पढ़ा था जीन ट्रांसफॉर्मेशन में कि स्टेबल इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन है जिसमें जो आ, जो डिज़ायर्ड जीन है वो अपने आप को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फॉर्म में नहीं रखती वो विद इन द क्रोमोसोमल फॉर्म में रखती है तो जिसकी वजह से क्या है स्टेबल इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और ये भी देखा गया है कि एग्रोबैक्टीरियम जो सेल्स हैं वो सीडलिंग ड्यूरिंग द सीडलिंग टाइम जर्मिनेशन टाइम और प्लांट के अंदर फ्लारिंग टाइम में भी उसके अंदर मिले हैं तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है एक तरह का वेक्टर है जिसके थ्रू हमने वो जो जीन थी हमने उसके अंदर डाली है डिज़ायर्ड जीन हमने डाली है इन विद इन दाइगोट भी देखी गई है और इससे क्या होगा कि ये जो हमें जो भी हमारे डिज़ायरेबल जीन्स थी वो उसके अंदर चलेगी एराबाइडोप के अंदर और सेकेंडली अगर हमने इस प्रोसेस को इन्हांस करना है तो उसके लिए पार्शियल वैक्यूम की ज़रूरत है ताकि हम बैक्टीरियल सेल को फैसिलिटेट कर सकें विद इन अ प्लांट तो उसके लिए एक पार्शियल वैक्यूम चाहिए अगर हमने इस प्रोसेस को फास्ट करना है और भी ज़्यादा फास्ट करना है सो तो ये छोटा सा ही टॉपिक था इन प्लांटा ट्रांसमिशन और uh, जैसे मैंने ऊपर शॉर्टकट uh, में लिखा है कि सीड को सबमर्ज किया हमने सीड को सबमर्ज करने के बाद हमने एग्रोबैक्टीरियम मीडिया के अंदर डाला और उसके बाद उसकी स्टेबल इंटीग्रेशन हो गई देन स्टेबल इंटीग्रेशन के बाद जर्मिनेशन हुई जर्मिनेशन के बाद उस अगर हमने उस प्रोसेस को इन और फास्टन अप करना है इन्हांस करना है तो उसके लिए हमें वैक्यूम प्रेशर की नीड पड़ेगी तो अगर हम चाहे तो वो देख कर, हम इस प्रोसेस को फास्टन अप कर सकते हैं सो दैट्स ऑल गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा